सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशरी है क्या। ठीक है, जुडिशरी तो इंडिया इंडिया की अगर मैं बात करूं जुडिशरी की, तो इंडिया में वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। तो आप लोग यहाँ पे लिखते लिखते चलिए कि इंडिया में वी हैव इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। अब जुडिशरी का फंक्शन क्या है? जुडिशरी के मेन जो है, मेन ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, जुडिशरी के तीन फंक्शन आ जाएंगे। फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सेकेंड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जुडिशरी जो है लॉ को इंटरप्रेट करेगी, इंटरप्रिटेशन लॉ। अभी लॉ को तब इंटरप्रेट करेगी या फिर उन चीजों को इंटरप्रेट करेगी जो कि नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था रिलीजियन के बारे में, तो रिलीजियन जैसी चीजें जो हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। जहां पे चीजें डिफाइंड नहीं होगी, जुडिशरी वहां पे क्या करेगी? इंटरप्रेट करेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे एडजुडिकेशन की। ठीक है, तो ये तीन जो है मेन फंक्शन है जुडिशरी के। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13 की अगर मैं बात करूं, हमने बात करा था आर्टिकल 13 में इट टॉक्ड अबाउट लॉ। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा जुडिशरी। जुडिशरी डिफाइन करेगी कि भाई कौन सा लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 32 इट टॉक्ड अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है? कैन इशू रिट्स, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स। सिमिलरली आर्टिकल आर्टिकल 226 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें हमने कहा था कि हाई कोर्ट जो है वो भी इशू कर सकता है क्या? रिट्स टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट व्हाट? फंडामेंटल राइट्स, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ओके। इसके बाद क्योंकि हमारा एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसके बाद डेमोक्रेसी है, और हमने बात करी थी मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू जो है ही टॉक्ड अबाउट, मॉन्टेस्क्यू टॉक्ड अबाउट बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर के चलते हमने ये बात करी थी कि जो एग्जीक्यूटिव होगा, जो लेजिस्लेटिव होगा और जुडिशरी होगा, इनका जो डोमेन होगा अपना सेपरेट होगा। ठीक है, इनका अपना अपना डोमेन होगा, और ये जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के, जो ऑर्गन्स हैं ये अपने अपने डोमेन में ये काम करेंगी। इस तरीके से काम करेंगे सो दैट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख पाए, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख पाए, और सिमिलरली लेजिस्लेटिव जुडिशरी के ऊपर भी रख पाए थ्रू एक्ट्स। नेक्स्ट हम टर्म की जो बात करेंगे वो है आपका जुडिशियल रिव्यू। ये वाला जो वीडियो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सारे केसेस का हम लोग एवोल्यूशन देखेंगे। जुडिशियल रिव्यू की अगर मैं बात करूं, तो सी जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियरी सीज की जो लॉ बन रहा है क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। तो बेसिकली जुडिशियरी का काम ये है, ये देखना कि जो लॉ बन रहा है क्या वो राइट है। राइट का मतलब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रख के बन रहा है, या फिर आर्बिट्रीनेस की तरफ जो है इसका ध्यान जा रहा है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। फिर आपको ये देखना है कि जो लॉ मेकिंग है, ठीक है, जो लॉ मेकिंग है ये इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो है ये काम नहीं है। तो अगर ये जुडिशरी का काम नहीं है तो काम किसका है? ये आपका काम है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट। ओके, इससे रिलेटेड एक हो गया लॉ मेकिंग, और फिर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं, तो इम्प्लीमेंटेशन इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जितने भी आपके रूल्स या जितने भी आपके प्रोग्राम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, अब ये चीजें होती हैं। एक तो आपका होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जितने भी आपके मिनिस्टर्स होंगे, और दूसरा आपका होगा क्या? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि जितने भी आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं, जितने भी आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं, जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में जो है आपके फॉल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाउ जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड।
या जस्टिस का मतलब होता क्या है? ठीक है, तो यहां पे हाउ जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड। अब अगर मैं जस्टिस की अगर मैं बात करूं, तो हमने दो टर्म के बारे में डिस्कस किया था। एक हमने बात करी थी ज्यूरिसप्रूडेंस की, तो जस्टिस जो है वो ज्यूरिसप्रूडेंस की बात करेगा। ज्यूरिसप्रूडेंस है क्या? ज्यूरिसप्रूडेंस इज द थ्योरी ऑफ लॉ। ज्यूरिसप्रूडेंस इज द थ्योरी ऑफ लॉ, जिससे कि हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है एग्रीव्ड पार्टी जो है उसको जस्टिस प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, अब सिर्फ जस्टिस का जो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो थ्योरी ऑफ लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, इसका इसमें इसमें बहुत सारे जो है इसके वेरिएबल जुड़ जाते हैं। जस्टिस देने का मतलब सिर्फ ये नहीं बता देना कि भाई राइट या रॉन्ग। ठीक है, राइट या रॉन्ग क्या है, सिर्फ वो बता देना ही काफी नहीं है। सो राइट और रॉन्ग इज नॉट एनफ, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है कि जस्टिस जस्टिस देते हुए जो है आपको कुछ रूल्स भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है रूल मेकिंग भी होगा। ठीक है, तो रूल मेकिंग विल टॉक अबाउट कि क्या क्या चीज गलत थी और क्या चीज जो है और क्या बनना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी जुडिशरी जो है अपने डोमेन से निकल के ये क्या कराती है, ये इंप्लीमेंट भी करवा देती है। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल ओवररीच हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, इस किस तरीके से जो है जो जुडिशरी का जो डोमेन है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होता आ रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कि वैक्सीन, अब वैक्सीन जो है सरकार के लिए एक नई चीज थी कि इतने मास लेवल पे वैक्सीन को बना के एडमिनिस्टर करना, सो दैट कि भाई यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग ना हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो और जो टारगेटेड लोग हैं उनको जो है वैक्सीन मिले। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि वैक्सीन जब मार्केट में आएगी, ठीक है, या फिर सरकार की तरफ से जब वैक्सीन लगना स्टार्ट होगा, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कंपोनेंट होगा, तभी चीजें आप लोग स्ट्रीमलाइन कर पाओगे। जब स्ट्रीमलाइन होगी तो सरकार कुछ रूल्स बनाएगी, जैसे कि भाई पहले हम इस एज वाले लोगों को टारगेट करेंगे और ग्रेजुअली जो है हम डिक्रीज, आई मीन पहले हम लोग बात करेंगे 60-70s एज की, फिर धीरे धीरे 50-40-30। तो अब ये रूल्स को लेके जो है कुछ लोग कोर्ट भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है जुडिशरी का रोल आ जाता है कि कहाँ पे जो सिटीजन हैं कहाँ पे उनको रोकना है, कहाँ पे उनको जस्टिस डिलीवरी करना है, सो दैट कि जो फंडामेंटल क्वालिटीज हैं, फंडामेंटल वैल्यूज हैं, वो आपकी प्रिजर्व रख सके। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का एग्जाम था 4 अक्टूबर 2020 को, बहुत लोगों ने आप लोगों ने दिया होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 30 सितंबर को जो ये ऑलरेडी डेट जो है बहुत डिलेड डेट थी, 30 सितंबर को जो है लोग जो है वो कहाँ पहुंच गए, लोग पहुंच गए कोर्ट कि भाई आप जो है पेपर को पोस्टपोन करा दो। ठीक है, तो फर्स्ट इज दे टॉक्ड अबाउट पेपर पोस्टपोन टू विच सुप्रीम कोर्ट सेड भाई नहीं, हम जो है ये नहीं करवा सकते। दूसरी चीज, पीपल जो लोग गए थे दे आस्क फॉर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगेन सेड नो। अब यहां पे क्या हुआ तो ध्यान से देखिएगा कि जो भी आपकी सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है, मैं कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोर्ट जो है अपना एक ऑर्डर पास कर सकती थी कि भाई एग्जाम को कैंसिल करा दो। ठीक है, बट ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, ये आपका यूपीएससी किसके अंदर फॉल करता है, डीओपीटी के अंदर। ठीक है, अब रादर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कि सुप्रीम कोर्ट सेट कि भाई आप स्टूडेंट्स, यूपीएससी को ये कहा कि रादर हम चीजों को ऑर्डर करें तो आप जो है स्टूडेंट्स लोगों की डिमांड को देखें। ठीक है, अगर अगर डिमांड को देख के आप डिसाइड करें, बिकॉज दिस इज जो है दिस इज नॉट इन आर हैंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को कहा और साथ के साथ लोगों को भी ये कहा कि अगर 2021 के नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने अटेम्प्ट नहीं दिया देन यू कैन कम टू अस। तो बोलने का मतलब क्या है, ये इनका जो रोल है वो है एग्जीक्यूटिव का। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उनके डोमेन में ऑर्डर जाके दे सकती थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। समझ में आया आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा नहीं किया। तो हर चीज में जो है सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट जो है नहीं दे सकती, क्योंकि सुप्रीम बैलेंस ऑफ पावर के चलते जो है सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक डोमेन है जिसके अंदर उनको परफॉर्म करना होता है।
अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा, बहुत पहले की कहानी है कि एक बॉडी हुआ करती थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, इट वॉज अ वेरी करप्ट बॉडी, वेरी करप्ट बॉडी। तो इसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही लोगों को जो है इसकी फंक्शनिंग के लिए डाल दिया, ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं लोधा पैनल, उसकी फंक्शनिंग के लिए जो है अपने ही लोगों को इसमें बैठा दिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के साथ साथ जो है इम्प्लीमेंटेशन वाले एरिया में भी जो है अपने पैर रख दिए, ठीक है। अब जुडिशरी का जो मेन काम होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, और जुडिशरी जब उससे ऊपर आ जाती है, मतलब ये कि जुडिशरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जुडिशरी का मेन काम जो होता है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। बट सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है कि जुडिशरी कभी कभी जो है ये लॉ को इम्प्लीमेंटेशन के डोमेन में भी जो है आ जाती है, जो कि ओरिजिनली किसका डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। ये है आपका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू से डोमेन के बाहर जो है वो आपका आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, और उसके डोमेन से बाहर आपका आ जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, जुडिशियल ओवर रीच। अब समझ लेंगे क्या है कि ये वाला जो है ये आपका है जुडिशियल एक्टिविज्म, और ये वाला जो है ये है आपका जुडिशियल ओवर जुडिशियल ओवर रीच, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीजों को। जुडिशियल एक्टिविज्म के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद होता है सुओ मोटो, और लास्ट कंपोनेंट जो होता है वो होता है PIL, ठीक है। जुडिशियल ओवररीच का मतलब ये होता है कि जब जुडिशियरी रूल्स अब खुद से जो है बनाना स्टार्ट कर दिए, ये जो है रूल मेकिंग में जो है ये आ जाती है, ठीक है, रूल मेकिंग। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे तो इस केस में, जुडिशियल ओवररीच के केस में, जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव के डोमेन में पैर रखती है, और जुडिशियल एक्टिविज्म के केस में वो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जो है वो पैर रख देती है। अब यहाँ पे देखिए, अब जुडिशरी के पास जो है जब केस आता है, ठीक है, जुडिशरी के पास जब कोई केस आता है, जब कोई ग्रीव्ड पार्टी आती है दुख तकलीफ को लेके, तो वो सीधा कहाँ पहुंचती है, वो सीधा कोर्ट में पहुंचती है। अब जुडिशरी ने अपने आप को पावर देके रखा है, और उस पावर को हम लोग बोलते हैं क्या, उस पावर को हम लोग बोलते हैं सुओ मोटो। तो सुओ मोटो में क्या होता है कि जुडिशरी 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 इज एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ पीपल, इनटू द डोमेन ऑफ पीपल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे यूजली क्या होता है कि लॉयर को हायर करना सबके बस की बात नहीं होती, तो सोसाइटी के जो हैं कुछ लोग होते हैं पब्लिक स्पिरिटेड टाइप के, ठीक है। तो उस केस में जो है सुओ मोटो के तहत जो है जुडिशरी जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व या डायरेक्टली जो है लोगों के डोमेन में जो है वो एंटर कर जाती है, सो दैट कि वो जस्टिस को जो है वो प्रोवाइड कर सके। अब हमने बात करी होगी 25th अमेंडमेंट एक्ट की, से हमने ये कहा था कि इस एक्ट से आर्टिकल 31C वाज एडेड, ठीक है। 25th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 31C वाज एडेड। इस 25th अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि भाई कोर्ट जो है जुडिशियल
रिव्यू नहीं करेगा। कोर्ट जो है क्या नहीं करेगा, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पे ये जो आर्टिकल था, हमने बात करी थी कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, ठीक है, कि औकात जो है, क्या जो स्टेटस है, जो औकात है उसको जो है बढ़ा दिया गया था एज कंपेयर टू आर्टिकल 14 और 19। ये हमने इसके ऊपर डिस्कशन हमने कर लिया था। ओके, तो इसी के चलते जो है बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है ओवर टाइम हमने देखने को मिला। किसके किसकी वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, किसकी वजह, किसके बीच में, जुडिशरी और आपके गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है, अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के मुताबिक भाई हम जो भी कर रहे हैं उसमें जुडिशियल रिव्यू ना हो, क्योंकि द मोमेंट लोग कोर्ट चले जाएंगे तो जो भी प्लान है, जो भी डेवलपमेंट का एजेंडा है, वो सारा का सारा जो है वो कोर्ट में लटक के रह जाएगा। तो केस के बाद केस जो है सुनवाई होगी, उसके ऊपर जजमेंट होगा, तो जो मेन एम है, जो मेन एम है, वो चीज जो है, वो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो डेविएट हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आ गया 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल का जो है, सरकार जो है 9th शेड्यूल का एक पिटारा लेकर आई, कौन से अमेंडमेंट से, फर्स्ट अमेंडमेंट से, फर्स्ट अमेंडमेंट से। ठीक है, और इसमें यह बोला गया कि भाई इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पे ग्रेजुअली ये चीज जो है 1973 में, ठीक है, 1973 में हमें पता है केशवानंद भारती केस हुआ, केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट केम आउट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट गेव डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें यह बोला गया कि पार्लियामेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल एंड फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने। अब अगर मैं आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, ये जो आइडिया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अगर मैं आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो नाउ वी हैव माउंटेन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। माउंटेन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, माउंटेन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ना होने की वजह से ओवर टाइम जो है इसका एवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि इलेक्शन, इलेक्शन इज अ, इलेक्शन एक वर्ड है, ठीक है, इसको भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया। ठीक है, देन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर के डोमेन में डाल दिया गया। अब यहां पे मैं बात करूंगा इंडिया, आपको पता है कि इंडिया जो है इट्स रिपब्लिक, ठीक है, इट्स रिपब्लिक कंट्री। अब इंडिया, अब इस रिपब्लिक की अगर मैं बात करूं, इसकी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म, ठीक है, जैसे कि फेडरलिज्म, तो ये सारी की सारी जो है आइडियोलॉजी हैं, या फिर जो है वैल्यूज हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर ध्यान से सुनना, अब अगर सरकार के पास अमेंडमेंट की पावर है, बट सरकार जो है इन चीजों को बदल नहीं सकती। किन चीजों को, बेसिक स्ट्रक्चर या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीजें हैं सरकार उनको नहीं बदल सकती। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है, अब हमने बात करी थी पार्ट 20 की, पार्ट 20 की हमने बात करी थी, तो पार्ट 20 टॉक्ड अबाउट व्हाट, पार्ट 20 टॉक्ड अबाउट अमेंडमेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट के प्रोसीजर को यूज करके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को नहीं हिला सकती। ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें आपको नजर में आ रहा है कि भाई आर्टिकल 368 की अगर मैं बात करूं, उसके चलते जो है आर्टिकल 368 के चलते
पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है डेफिनेटली, बट अगर मैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के आइडिया को देखूं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के वैल्यू सिस्टम को देखूं, तो किसी भी टाइप का अमेंडमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेगा, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उसे उसे खत्म करने के लिए जो है क्या करेंगे, उसे खत्म करने के लिए जो है लोग हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया था, हमने यहाँ पे बात कर ली इम्प्लीमेंटेशन की, हमने सुओ मोटो की बात कर ली, अब हम बात करेंगे पीआईएल की। पीआईएल के चलते मैंने कहा कि अगर किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है तो उसे खत्म करने के लिए कौन लोग हेल्प करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई आप जो है हमें लेटर भेजो। ठीक है, आप हमें लेटर भेजो, और ये कॉन्सेप्ट आ गया किसका, पीआईएल का। पीआईएल स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया सो दैट कि सोसाइटी में जो है एक कॉमन गुड का कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आए, और ये सारा का सारा किसके उसमें हो, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। बट पीआईएल आप तभी भर सकते हो जब इसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट जो है आपका इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो जो पीआईएल है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने बात करी जुडिशियल ओवररीच, तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन जो है आप लोग लिख सकते हो, जो जुडिशियल ओवररीच इज व्हेन जुडिशियरी जुडिशियरी एंटर्स इनटू द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, दैट इज व्हेन इट स्टार्ट्स मेकिंग व्हेन इट स्टार्ट्स मेकिंग रूल्स। यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं जिसको जिसमें हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप की, एवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशियरी एंड गवर्नमेंट। जी स्टैंड्स फॉर जुडिशियरी एंड जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, तो इसमें अगर मैं बात करूं 1960s की, 1960s की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट एंड जुडिशरी हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो गवर्नमेंट एंड जुडिशरी वेरी गुड रिलेशनशिप। अगर मैं 1967 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस केस में इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में जो है, इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में जो है काफी ज्यादा अनबन का अनबन वाली सिचुएशन थी। तो इन दोनों के बीच में जो है काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो पार्लियामेंट को जुडिशरी से ऊपर बनाने की कोशिश में थी, और जुडिशरी जो है अपना स्टेटस मेंटेन करने के उसमें थी। ठीक है, अब इंदिरा गांधी की अगर मैं बात करूं, इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना जो है स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो उनके मुताबिक, इंदिरा गांधी के मुताबिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंदिरा गांधी के मुताबिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको होना चाहिए मोर सोशलिस्ट। और इस सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि भाई वेलफेयर ऑफ मासेस, सोशलिस्ट का मतलब है वेलफेयर ऑफ मासेस, नॉट क्लासेस। ठीक है ना, वेलफेयर ऑफ मासेस की उसमें बात करी थी, ना ही क्लासेस की। ठीक है, ओके। अब इसमें इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे 1967 के आसपास वाला जो टाइम था उसमें बैंकों का नेशनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। स्पेलिंग्स आप लोग थोड़ा देख लेना। ठीक है, और आप देखोगे कि कोल इंडिया को भी जो है क्या कर दिया गया, कोल इंडिया को भी नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, और साथ के साथ प्रियाम्बल को भी अमेंड करने की कोशिश करी, प्रियाम्बल को अमेंड करने की कोशिश करी। ठीक
है। अब यहां पे जब अपना पहले जब अपना देश आजाद हुआ था तो सब कुछ अमेंड जो है करा जा सकता था, बट ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बाद पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर के ऊपर जो है एक फुल स्टॉप लगा दिया गया। बेसिकली जो इंटरप्रिटेशन थी वेरियस केसेस के मुताबिक, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये ओवर टाइम जो है ये इवॉल्व होता रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका इसका क्या है, इसका एरिया क्या है। तो इसका एरिया जो है कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओवर टाइम जिस जिस तरीके से जो है सोसाइटी इवॉल्व करती चली जाएगी, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका जो आइडिया है वो भी ओवर टाइम जो है इवॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिए, आपको ध्यान रह जाएगा कि बेसिकली बेसिकली विद द इंटरप्रिटेशन, विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस केसेस, दिस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज एक्चुअली इवॉल्विंग। ठीक है, जिस जिस तरीके से सोसाइटी अपने आप को इवॉल्व करती चली जाएगी, तो ये सारा का सारा जो आइडिया है बेसिक स्ट्रक्चर का वो भी ओवर टाइम आपका इवॉल्व होता चला जाएगा। अब मैं बात करूंगा प्रोसीजर्स की। ठीक है, प्रोसीजर की अगर मैं बात करूंगा तो ये आप लोगों को पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, एक वर्ड का इस्तेमाल करा था कि इंडियन जुडिशरी जो है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, फिर यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आपका आएगा हाई कोर्ट, और फिर सबसे ऊपर कौन आएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट आपका आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो है जो केसेस आते हैं वो प्राइमरीली आपके दो टाइप के होते हैं। जो आपके केसेस होते हैं वो प्राइमरीली आपके दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है सिविल केसेस, ठीक है, और उसके बाद आपका होता है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस, अगर मैं सिविल केसेस की एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, या फिर आपका रेंट को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर कोई पर्सनल लॉस को लेके जो है आपको जो है पर्सनल लॉस को लेके कोई आपको डिस्प्यूट हो गया। दूसरी चीज, जो सिविल केसेस होगा, इट विल बी हर्ड बाय सिविल जज, विल बी हर्ड बाय सिविल जज। वेयर एज अगर मैं क्रिमिनल केसेस, जैसे कि आपका हो गया डाउरी, जैसे कि आपका हो गया डेथ, आपका हो गया मर्डर, आपका हो गया एक्सटॉर्शन, तो ये सारा का सारा जो है आपके क्रिमिनल केसेस में फॉल करेगा। फिर आपका मैं बात करूंगा होमोसाइड, ठीक है, और इसको इसको इट विल बी हर्ड बाय हुम, इट विल बी हर्ड बाय सेशंस जज। और सेशंस जज के पास जो है पावर रहती है कि वो आपको डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। ठीक है, आपको डेथ सेंटेंस भी आपको दे सकता है। तो यहां तक हमने बात कर ली। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, बिगिनिंग की अगर मैं बात करूं, हमारे अगर बिगिनिंग की बात करूं, तो इंडिया में जो है इंडिया में सिर्फ 8 ही आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। इंडिया हैड एट दैट टाइम ओनली 8 सुप्रीम कोर्ट जजेस। बट अभी की अगर मैं बात करूं, अभी आपके कितने हैं, अराउंड 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर है, इट विल बी डिसाइडेड बाय हुम, इट विल बी डिसाइडेड बाय
लॉ ऑफ पार्लियामेंट, जो लॉ ऑफ पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज आपको, एक फैक्ट पता होगा कि इंडिया में जो है ओनली वन सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अब सवाल यहां पे बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि ममता बनर्जी ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस जो है वो होने चाहिए, ठीक है, आपके रीजनल बेंचेस आपके होने चाहिए। आप लोग जरा सोच के बताइए क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए ठीक है तो ये पावर किसके पास होगी, ये पावर होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए 34 जजेस में से अगर सिर्फ 30 ही रह गए, मतलब चार को मान लीजिए अगर बीमार हो गए हो एंड वो सुप्रीम कोर्ट का जो है, तो इससे सुप्रीम कोर्ट का जो है वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं हो पाएगा। इन दिस केस किसके पास पावर रहती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जो है ये पावर रहेगी कि वो जो है रिटायर्ड ऑफिशियल्स को, किसको, वो जो है आपके रिटायर्ड रिटायर्ड ऑफिशियल्स को जो है वो आपकी बुला सकती हैं, रिटायर्ड ऑफिशियल्स को बुला सकती हैं, ओके। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है एडहॉक जजेस का। एडहॉक जजेस का मतलब क्या होता है कि किसी केसेस में जरूरत पड़ी उसको बुला दिया, और इसका जो नेचर होता है ये टेम्पररी नेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स को बुलाया है तो ऐसा नहीं होगा कि इसको जो है आपका परमानेंट बना दिया, नहीं, ठीक है। एडहॉक जजेस में क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जो है ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के किसी जज को बुला के, ठीक है, सीबीआई के पास पावर रहती है कि वो किसी हाई कोर्ट के जज को बुला के जिसके पास क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि किसी को भी मन करा, ही हैज टू हैव दैट क्वालिफिकेशन, हाई कोर्ट के किसी जज को, ठीक है, बुला के, एंड इसके लिए जो है उनको क्या लेना पड़ेगा, ही हैज टू टेक कंसेंट, कंसेंट फ्रॉम होम, ही हैज टू टेक कंसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी जो है प्रोविजन रखा गया है कि इफ इन केस एक्टिंग चीफ जस्टिस अगर मैं बात करूं आपके सीजीआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इनका जो है, इनका हो गया रिमूवल, तो इनके जगह में तो कोई होगा, ठीक है, तो उसको काम चलाने के लिए, ध्यान से सुनेगा, काम चलाने के लिए जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा। अब आ जाती है मेन बात, आती है इनके कॉन्फ्लिक्ट की, ध्यान से देखिएगा। अब इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनकी अगर मैं अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अपॉइंटमेंट में क्या होगा, अंडर आर्टिकल 124 में ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है, ध्यान से सुनिएगा, अंडर आर्टिकल 124 दैट प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। तो प्रेसिडेंट जो है वो किससे कंसल्ट करेगा, वो सीजीआई से कंसल्ट करेगा, ठीक है, किसके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब यहां पे हम लोगों ने बार बार इस बात पे हम लोग बात कर रहे थे कि आर्टिकल 74, तो आर्टिकल 74 पे हम लोगों ने ये बात करी कि प्रेसिडेंट विल बी एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ होम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे आर्टिकल 124 ये बोल रहा है कि भाई प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते टाइम वो किससे कंसल्ट करेगा। अब यहीं से, क्योंकि ये चीजें डिफाइन नहीं है, तो आपका सवाल ये उठ जाएगा, क्या ये बाइंडिंग होगा, क्या ये नॉट बाइंडिंग होगा, इसका नेचर कैसा होगा।
और आपस में ये दोनों जो हैं क्या हो गए, इन दोनों जो हैं ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट में आ गई। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे इस चीज को। तो अब जो है प्रेसिडेंट के लिए डायनामेटिक सिचुएशन अराइज हो जाती है कि क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सुने या फिर वो सीजीआई की सुने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सरकार के लिए ऐसे जजेस को चूज करना कि जो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए। बड़ा अजीब लग रहा होगा बट सी ऐसा हो सकता है या ऐसा होता भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार के लिए कि ऐसे जजेस को चूज करना जो कि सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए। इसीलिए गवर्नमेंट को हर जज के नेचर के बारे में जो है वो पता होता है कि क्या वो हमारे पॉलिसी से रिलेटेड, क्या वो रिस्पॉन्सिव है, क्या वो रिपल्सिव है, क्या वो रिसेप्टिव है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये आपको इसमें देखने को मिलेगा, इंदिरा गांधी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। यूजुअली जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज का जो सिस्टम होता है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है, उसी को आपका सीजीआई बनाया जाता है। बट इंदिरा गांधी में 1973 में, 1973 में एन रे को जो है वो सीजीआई अपॉइंट कर दिया। ठीक है, सीजीआई अपॉइंटमेंट कर दिया। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बात यह है, ये जो एन रॉय थे ये फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, ये थर्ड नहीं, ये आपके फोर्थ नंबर के जज थे। और मैंने अभी भी कहा जो आपका जो प्रोटोकॉल है वो यह है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो होता है मास्टर ऑफ रूस्टर, मास्टर ऑफ रूस्टर। अब इसका मतलब क्या है? मास्टर ऑफ रूस्टर का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो करेगा डिवीजन ऑफ केसेस, डिवीजन ऑफ केसेस। ठीक है, या फिर वही करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस। तो बोलने का मतलब यहां पे ये है कि जब सरकार को ये पता है कि कौन से जज का जो नेचर है वो कैसा है, तो डोंट यू थिंक कि इसको भी पता होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पता होगा कि भाई नेचर जो है वो कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग वो उन जजेस को भेजेगा कि जो कि सरकार के पक्ष में आंसर दे सकते हैं या फिर सरकार के अगेंस्ट जाके जो है वो कोई जजमेंट या फिर वर्डिक्ट सुना सकते हैं। तो इसीलिए इसीलिए सरकार ये चाहती है कि भाई ये जो सीजीआई हो ये इनका हो। ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस को ही जो है उनको केस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और सीजीआई को ये पता होता है कि भाई जज का नेचर कैसा होगा और कौन सरकार के फेवर में बोलेगा और कौन उनके अगेंस्ट में बोलेगा। यही सेम चीज आपको देखने को मिलेगी मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का सर, मोरारजी देसाई की सरकार थी 1977 की। उस केस में जो है किसको अपॉइंट कर दिया गया? एमयू बेग को जो है सीजीआई अपॉइंट कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग इन द जुडिशरी। ठीक है, इट मींस इन दोनों चीजों से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग, गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग इन द जुडिशरी। ठीक है, एंड जुडिशरी को क्या होना चाहिए? जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जुडिशरी तभी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तभी हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। और हमारे देश का जो नेचर है वो कैसा है? वो है आपका फेडरलिज्म। ठीक है, जहां पे क्या है, जहां पे सेंटर जो है वो स्टेट्स को ना दबा पाए। तो इस केस में अगर जुडिशरी में ही अगर इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो जो बेसिक प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का वो कहीं ना कहीं जो है आपको कोलैप्स होता नजर आएगा। अब अभी अगर करेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो है तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बट मोदी गवर्नमेंट के आ जाने से ये बन गया है प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिबेट और डिस्कशन से ज्यादा चीजें किसके ऊपर फोकस्ड हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं। ठीक है, चलेगी किसकी? प्राइम मिनिस्टर की चलेगी। तो और साथ के साथ जो है मैंने यहां पे बात करी किसकी? पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की,
पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसी में, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लूरलिस्टिक गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें आपका होता है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ केसेस के बारे में, ठीक है। फर्स्ट मैं बात करूंगा, हुआ था आपका क्या, फर्स्ट जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस एट द रेट 1982। इसमें क्या हुआ था, अब इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा आर्टिकल 124, अब आएगा भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा कि भाई प्रेसिडेंट किसकी सुनेगा। आर्टिकल 124 की अगर मैं बात करूं इस केस में, फर्स्ट जजेस केस में आर्टिकल 124 की इंटरप्रिटेशन बताई गई। ये बताया गया कि कंसल्टेशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, कंसल्टेशन का मतलब होता है मींस कंसल्टेशन ओनली, मींस कंसल्टेशन ओनली, ठीक है, एंड देयर फोर इट इज नॉट बाइंडिंग, देयर फोर इट इज नॉट बाइंडिंग। समझ में आया? तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वैसे ही प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। ओके फिर आया आपका सेकंड जजेस केसेस, सेकंड जज केस एट द रेट 1993। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, इसमें क्या बोला गया, इसमें यह बोला गया कि कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस, ठीक है, और ये जो सीजीआई की कंसल्टेशन, द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई इज बाइंडिंग, ये कंसल्टेशन इज बाइंडिंग। समझ में आ गया? उसके बाद आया आपका थर्ड जजेस केस। मैंने अभी अभी मैंने ये चीज बताई कि जो चीजें डिफाइन नहीं होती उसको इंटरप्रिटेशन होता है, और वो जो इंटरप्रिटेशन होता है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, वो टाइम टू टाइम जो है, अब ये 1993 और ये हो गया कितना, 5 साल के बाद क्या बोला गया कि सीजीआई प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस, फोर सीनियर मोस्ट जजेस ये क्या करेंगे, ये करेंगे कोलेजियम, और ये बनाएंगे कोलेजियम, और ये कोलेजियम जो होगा ये डिसाइड करेगा क्या, अपॉइंटमेंट, ये क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद सीजीआई प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस, टू सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजी चीफ जस्टिस स्टेट वन प्लस चीफ जस्टिस स्टेट टू, ठीक है। ये तो मैंने बात करी अपॉइंटमेंट की, ये क्या है, ये है मैटर्स रिलेटेड टू ट्रांसफर, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, टू सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, ठीक है, और ये स्टेट वन स्टेट टू क्या है कि जो जज जो है जहां से जा रहा है और जहां जा रहा है, ठीक है, जहां से जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है, तो इनमें जो है अगर किसी भी जज का अगर मान लो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हो रहा है तो चीफ जस्टिस कोलकाता के भी रहेंगे और चीफ जस्टिस जो है वो आपके दिल्ली में भी रहेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू जुडिशरी ऐसा प्रोविजन क्यों लाया गया, अकॉर्डिंग टू जुडिशरी कि ये जो पहले के जो आपके वो थे, जो भी पहले आपके वर्डिक्ट से उसके मुताबिक ये था कि कहीं ना कहीं जो है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में जो है एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर रहे हैं, तो जुडिशरी का ये कहना ये था कि भाई डोंट इंटरफेयर इन आर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, ठीक है। अब कांग्रेस को, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस को लगा कि भाई ये जो काम है ये बहुत गलत काम है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम जो बनाया गया है थर्ड जजेस केस में ये बहुत गलत है, इसीलिए कांग्रेस ने, यहां पे पहले लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जुडिशरी डोंट इंटरफेयर
इन आर, डोंट इंटरफेयर इन आर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे, सी कांग्रेस को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो यहां पे हम बात करेंगे किसकी, कांग्रेस जो है अब नया लॉ लेके आ गई। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को जो है ये कोलिजन सिस्टम नहीं पसंद आया, तो कांग्रेस जो है एक नया लॉ लेके आई जिसे बोलेंगे एनजीएसी। दिस एनजीएसी स्टैंड्स फॉर नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल कमीशन एक्ट। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये जो केस है ये चला गया किसके पास, ये जो केस है इससे रिलेटेड मैटर चला गया किसके पास, सुप्रीम कोर्ट में। कौन से साल में, 2015 में। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आप जो है आप ये नहीं बना सकते, सुप्रीम कोर्ट सेड कि भाई आप जो है ये नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखा आपने कि किस तरीके से जो है ओवर टाइम बेसिक स्ट्रक्चर का जो माउंटेन है वो आपका बढ़ता ही चला गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब कर लो, जो करना है कर लो, स्ट्रक्चर। और आज भी जो है ये इतना, आज भी जो है इसका डेफिनेशन जो है आज भी नहीं है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं, रिमूवल की, ठीक है, अगर मैं बात करूं रिमूवल की, सी रिमूवल के केस में क्या होगा, रिमूवल के केस में क्या होगा, ठीक है, पार्लियामेंट ने जो है रिमूवल को लेके एक लॉ बनाया हुआ है, क्या, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अब इसमें क्या है, सी इसमें बात करी गई है मेजोरिटी की, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक मेजोरिटी होगा, और ये हमने बात करी थी कौन सी मेजोरिटी होगी, ये होगी आपकी स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी के अंदर हमने दो चीजों के बारे में बात करा था कि भाई इसमें स्पेशल मेजोरिटी हमने तीन काइंड्स पढ़े थे, बट पर्टिकुलरली इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें हम बात करेंगे 50% स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 50% स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ठीक है, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनके बारे में जो है हमने बात करी थी। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखते हैं कि अगर रिमूव करना है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो इनिशिएट करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा के 100 एमपीज या फिर राज्यसभा के 50 एमपीज, इनको जो है इनकी सहमति जो है चाहिए होती है। ठीक है, और ठीक है, और इन्हीं से जो है आपका जो मोशन होगा वो आपका इनिशिएट होगा। ठीक है, हमने इनिशिएट कर दिया, बट अगर स्पीकर मना कर दे, ठीक है, इवन व्हेन 100 एमपीज ने लिखा हो मोशन को इनिशिएट करने के लिए, तो चीजें वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, तो अगर स्पीकर मना कर दे तो जो है जो प्रोसीजर है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, दो ग्राउंड्स आपकी मेंशन करी गई है रिमूवल के लिए। सबसे पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अभी प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब ये होगा क्या, कि भाई कोई कमेटी बैठेगी और कमेटी के बेसिस के ऊपर, ठीक है, कमेटी के बेसिस के ऊपर उनका जो मिसबिहेवियर है वो प्रूव्ड होना चाहिए विद सफिशियंट डिटेल्स, ओके। और दूसरा मैं बात करूंगा यहाँ पे इनकैपेसिटी की। तो ये दोनों चीजें जो हैं, अगर आपकी यही दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं, बट बोथ दीज ग्राउंड्स आर, ध्यान से सुनना, बोथ दीज ग्राउंड्स आर नॉट डिफाइंड। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ केस हुआ नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बोथ दीज ग्राउंड्स आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके। अब
अब इनके जो ग्राउंड्स को डिसाइड कौन करेगा का नहीं है, तो इसके लिए जो है एक एडवाइजरी कमिटी का गठन होगा। एडवाइजरी कमिटी विल बी सेट अप, ठीक है, जो कि ग्राउंड्स को डिसाइड करेगा। ठीक है, ओके। अब इस कमिटी की अगर मैं बात करूं, इस कमिटी में कौन कौन रहेगा? इस कमिटी में इस एडवाइजरी कमिटी में आपके कौन तीन बंदे रहेंगे? इट्स गोइंग टू बी अ 3 मेंबर कमिटी। इस कमिटी में आपके रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं आ पाए तो इसमें रहेगा सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, ऑब्वियसली बात है कोई सीनियर जज ही रहेगा। उसके बाद इसमें रहेगा जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओके, या फिर क्या, एंड या फिर इसमें रहेंगे कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, ठीक है, इसमें कोई रहेंगे। अब इसके बाद जो है, इनकी रिपोर्ट्स के बाद जो है क्या स्टार्ट होगी? इनकी रिपोर्ट्स के बाद वोटिंग स्टार्ट होगी, जो मैंने प्रोविजन आपकी मेजोरिटी में बताया था, आपकी वोटिंग जो है इसके बाद आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है,